हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 15 अगस्त पर भाषण हिंदी में। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त भारत देश के गौरव, सौभाग्य व सम्मान का दिवस है। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। तब से सभी भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह दिन हमें शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय जैसे सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। आजादी के बाद भारत ने साइंस एवं टेक्नोलॉजी, आर्थिक कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल, इंटरनेट आदि क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है, परंतु आज भी गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं से हमारा देश लड़ रहा है। हमें एक साथ मिलकर इन समस्याओं को खत्म करना चाहिए जिससे हमारा देश नए आविष्कार, अधिक रोजगार, हरे भरे वन, सुरक्षित वन्य जीवन, नवीनीकरणीय ऊर्जा और प्रदूषण रहित वातावरण व लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़े। अतः देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम इन समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे और भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।